भाइयों ने इस वक्त यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी आज अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2021 सबसे बड़ी खुशखबरी, इस दिन जारी हो सकती है अधिसूचना। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान, अप्रैल में होंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, अगर आप भी पंचायत चुनाव या किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ती हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करती हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना मार्च के दूसरे हफ्ते में किसी भी दिन जारी हो सकती है। निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी में जुट गया है। 30 अप्रैल तक स्तरीय पंचायत चुनाव कराने के हाई कोर्ट के निर्देश से मद्देनजर आयोग 42 से 45 दिनों में पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की तैयारी में जुटा है। हाईकोर्ट के आदेश के तहत राज्य सरकार को 17 मार्च तक सीटों का आरक्षण का काम भी पूरा कर लेना है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, गौरतलब है कि मई 2021 तक चुनाव कराने के आयोग की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट अभी स्वीकार कर चुका है। न्यायमूर्ति एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति आर आर आगेवार की खंडपीठ ने विनोद अध्ययन की याचिका निरस्त करते हुए आदेश दिया है कि 30 अप्रैल तक चुनाव करा लिए जाए। लिहाजा अब आयोग को 42 से 45 दिनों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सूत्रों का कहना है कि तैयारी 18 मार्च को अधिसूचना जारी करने की है। नियम इस समय पर प्रक्रिया पूरी करने के मकसद से आयोग प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए एक साथ मतदान कराने पर विचार कर रहा है। इस पर भी विचार हो रहा है कि चुनाव 4 चरणों में कराए जाएं। इन चरणों में प्रदेश के अलग अलग 18 मंडलों के जिलों को बांटकर चुनाव कराया जाए या हर जिले के अंदर ही 4-4 अलग क्षेत्र बनाकर चुनाव सम्पन्न कराए जाए। जी हाँ दोस्तों, अपनी तैयारी जल्दी कर लें, जल्द हो सकते हैं चुनाव। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी को कैसे लगे हमें देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। बस आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।